नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कैथल के गोलाचीका विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हरियाणा के कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुमारी शैलजा का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बौखला चुकी है। कांग्रेस के लोगों ने कुमारी शैलजा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, इससे उनके मन को ठेस पहुंची है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। जिस प्रकार के झूठे वादे करते हैं, ये जिस प्रकार से बोलते हैं भाइयों, इनके घोषणा को देख करके जो ये घोषणा लेकर के आए हैं, एक कहावत मेरे ध्यान आ रही है भाइयों। एक व्यक्ति गली से जा रहा था और गली में जाते हुए कह रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, कहा 100 रुपए में जीवन भर बैठ करके खाइए, 100 रुपए में जीवन भर बैठ करके खाइए। लोग हैरान थे, कही ये कौन सा व्यक्ति है क्या जो ये कह रहा है कि 100 रुपए में जीवन भर बैठ करके खाइए। लोगों को उत्सुकता हुई, लोग घर से बाहर निकल करके जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कौन है तो देखा वो चटाई बेचने वाला था। ये हालात कांग्रेस की है भाइयों। जो ये बोलते कुछ है, सजा वहां कुछ दिखाते हैं और करते कुछ है, ये लोग ये शोषण करने के लिए भाइयों यहां पर आते हैं। भाइयों कांग्रेस के लोग लगातार झूठ बोलते थे कि अग्निवीर को लेकर के कि इन्होंने 4 साल कर दिया है। मैं आज सीवन की इस ऐतिहासिक जगह पर, ये गुल्ला की जगह के ऊपर आपको बताना चाहता हूं, हमने ये निर्णय किया कि जितने अग्निवीर हरियाणा के अंदर से जाएंगे और 4 साल के बाद कुछ अग्निवीर तो वहीं पर सिलेक्ट हो जाएंगे, परंतु जो वापिस आएंगे हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर, आते ही उनको सरकारी नौकरी देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों हमने कहा है कि अगर कोई अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, हरियाणा सरकार उसको 5 लाख रुपए बिना ब्याज के उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों ये झूठ का पलिंदा, ये कांग्रेस के लोग ये झूठ फैलाने का काम करते हैं, इस बात से हमने बचना है। भाइयों मुझे खुशी है, मैं आज सीवन के अंदर हूं। मैं आज आप लोगों को बताना भी चाहता हूं, आप लोग नोट करिए, हमारे सीवन के अंदर ही बिना पर्ची बिना खर्ची के मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा। हमारी आर्य समाज की बेटियां हैं जो बिना पर्ची खर्ची के जज लगी हैं, 2 बेटियां सीवन की जज लगी हैं। भाइयों इस बात को आप समझिए, हमारे यहां पर सीवन का ही एक बेटा अशोक मुंजाल SDM लगा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा है। भाइयों हमारे यहीं सीवन से एक ब्राह्मण समाज का बेटा भाइयों जज लगा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा है। भाइयों एक ब्राह्मण समाज का बेटा तहसीलदार लगा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा है। भाइयों एक ऐसी समाज का बेटा सीवन का SDSP लगा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा है। और ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ गई है, हम इसको भाइयों भ्रष्टाचार से देंगे। भाइयों लगभग 50 और बच्चे सीवन के बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगे हैं, जो भाइयों असंभव था, आज हमारी सरकार ने उसको संभव किया है। मुझे खुशी है क्योंकि मैं इस क्षेत्र के अंदर आप सबके आशीर्वाद से पिछले 5 साल मैं यहां से सांसद के रूप में मैंने काम किया है, और मेरे पास अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए आया मायूस होकर के नहीं लौटा, मैंने उसके काम को करने का पूरा कार्य किया है। भाइयों एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे को वहां से मायूस होकर के लौटना पड़ा। भाइयों मुझे इस क्षेत्र की समस्या के बारे में मालूम था, यहाँ के पट्टेदार मुझे मिलते थे, पट्टेदार आकर के बोलते थे कि मुख्यमंत्री जी अब तुम्हारे बन गए, कहा अरे महाराज ये काम सीधा कर दो, मखा कर देंगे। भाइयों हमने निर्णय ले लिया, जो यहाँ के पट्टेदार थे या जिनके घर पंचायत की जमीन में थे, हमने ये भी निर्णय ले लिया है
और हमने ये निर्णय लिया 8 अक्टूबर के बाद हमने अपने कैबिनेट में पास कर दिया है। 8 अक्टूबर के बाद जब हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहले ही सेशन के अंदर हम पट्टेदारों का ये विषय विधानसभा में लेकर के जाएंगे। अभी इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, 4-5 रोज पहले जारी किया है। भाई घोषणा पत्र तो इनका, मैं ये बोलता हूं कि झूठ का पलिंदा इसकी बात में ना जियो, कुछ नहीं है। उसका मैं उदाहरण भी देता हूं आप लोगों को, आप लोगों को मालूम भी है। कांग्रेस राहुल और खड़गे साहब ने एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखी, ये आज नहीं लिखी, ये लगभग 2 वर्ष पहले इन्होंने लिखी थी। और ये सबसे पहले जो झूठ का पुलिंदा है हिमाचल के अंदर उतारा, फिर कर्नाटक के अंदर उतारा, फिर तेलंगाना के अंदर उतारा। वही हिमाचल तो हमारे नजदीक है, आप सब जाते रहते हैं, आप लोग वहां जाकर के पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। भाइयों, वहां पर इन्होंने जो ये झूठ का पुलिंदा अब हरियाणा में लेकर के आया है, इन्होंने ये पहले हिमाचल में उतारा। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह के बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दलितों का अपमान हुआ है और शैलजा को अपशब्दों का सामना करना पड़ा है। खट्टर ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया है, यह कहते हुए कि यदि वे बीजेपी में आती हैं तो वे स्वागत के लिए तैयार हैं। बीएसपी के आकाश आनंद ने कहा कि शैलजा की बहुत बड़ी दलित नेता हैं, उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित किया है, उन्हें बदले में गालियां और जातिगत टिप्पणी सुनने को मिली है। हम इस घड़ी में शैलजा की जी के समर्थन में खड़े हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के नारनौंद में कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नामांकन कार्यक्रम था, इसमें उनके एक समर्थक ने कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की थी। सब जिंदा करते हो, उसकी चाहे कोई भी पार्टी हो, सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसान अपमान करते तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी बहुत बड़ा आपके किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, यानी मैं ऐसा नहीं बोलता करती है ना, लेकिन इनको गर्म नहीं है, उस घर को गालियां कर दी है इन्होंने, बड़ा आराम से बड़ा वर्ग आप सोच रहा है हम क्या करें। कुमारी शैलजा के प्रति किस प्रकार की मंशा इनकी आई है, किस प्रकार से उनके ऊपर और उनको अपमानित किया गया है, और फिर हुड्डा साहब बोल देते हैं 2 मिनट के अंदर, ये उसका निजी बयान है। ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है, इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कर सकता, ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो आप, हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता, कांग्रेस जो है कांग्रेस का ना है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। भाई एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने काम के, हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का वो लोग कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बहन बेटी है, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा, और हमारा हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ, अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो हम उनको खुले आम। जिस दिन खट्टर साहब को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया था, उस दिन से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे बंद हैं उनके लिए। तो ये कुंठाग्रस्त हैं, उनकी कुंठा हम समझते हैं, कुंठा के कारण हम समझते हैं, लेकिन उनको ये हम आपके मार्फत बताना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं। जबरदस्त एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही, और एकदम साफ है कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है और हम जनता के साथ हैं,
तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं किया और जिस प्रकार के बयान उन्होंने कुमारी शैलजा जी के बारे जातिवाद बयान दिए है उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे सारे हरियाणा में कांग्रेस के प्रति रोष है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में रोड शो निकाला। करीब 1 किलोमीटर के रोड शो के बाद ऐतिहासिक मोती चौक पर लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। भगवंत मान ने कहा कि ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बीच में एक खट्टर इंजन खटारा हो गया, फिर इन्होंने एक नया इंजन लगाया, उसे पता नहीं किस पटरी पर जाना है। वो कहता है कि मैं इधर जाऊंगा, पार्टी कहती है भाई साहब इधर जाना है, इन्हें हम करके दिखाएंगे बिजली पानी कैसे फ्री होता। उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनाते। बीच में आया हूं और आपका प्यार देखकर मन गदगद हो गया, मन खुश हो गया। जितने लोग आज छोटे से एक रोड शो में आ गए गर्मी के बावजूद, अगर सभी परिवारों सहित वोट डाल दें ये सीट तो निकल गई भाई साहब। आपके अपने आपके बीच में पले बड़े सतीश यादव जी यहां से उम्मीदवार हैं, मुझे दिखा रहे थे बीच में बाजार में कि मेरा बचपन इस घर में बीता है। भाई साहब ऐसे छोटे छोटे घरों से निकले हम, ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है कि छोटे छोटे घरों से निकले हुए लड़के लड़कियों को बेटे बेटियों को MLA बना दिया, विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। भाई आज मैं यही कहने आया हूं हरियाणा वालों, ये मत समझना रेवाड़ी में तो भगवंत मान आ गया, अगर पास के कस्बे में भी आ जाता वहां से ही वोट डल जाते। मैं अपने बच्चों के लिए या अपने लिए वोट नहीं मांगने आया, मैं आपके बच्चों के लिए वोट मांगने आया हूं। हर घर में केजरीवाल हो, हर घर में भगवंत मान हो, हर घर में मनीष सिसोदिया हो तो बात बनेगी। बहुत मौके देके देख लिए इनको, इसको भी वोट दिया उसको भी वोट दिया, नतीजा क्या निकला? जीरो। तो भाई साहब नई पार्टी है, हाँ नई पार्टी के नाम पे तो ऐसे होता है, ये पुरानी पार्टियों का धुआं निकल रहा है। नई पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन नए विचार है, नया खून है। दिल्ली में स्कूल जाके पता कर लीजिए, दिल्ली आपसे नजदीक पड़ती है भाई साहब। दिल्ली में स्कूल सरकारी इतने शानदार हो गए कि शानदार सरकारी स्कूलों में पढ़ के बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों पे जा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में रब ना करे, खुदा ना करे, वैगुरु ना करे, आपको जाना पड़े किसी अस्पताल में, दिल्ली में जाके देखना पैरासीटक मोल की गोली से लेके 40 लाख 50 लाख के टेस्ट जो है फ्री है भाई साहब, कोई पैसा नहीं। और दिल्ली घाटे में भी नहीं चल रही, ये भी नहीं है कि दिल्ली घाटे में है। चलो दिल्ली इधर है, इधर की बात कर लेते हैं, इधर की बात कर लेते हैं, किसी रिश्तेदार को पूछ लेना इधर पंजाब है सरकारी स्कूल कैसे हो गए, किसी रिश्तेदार दोस्त को पूछ लेना। अस्पतालों का 840 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, 2 करोड़ बंदा वहां से दवाई लेकर ठीक होकर जा चुका है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने झज्जर में एक रैली के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना हरियाणा में अगली सरकार नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति में विश्वास करती है और लोगों के लिए राजनीति करती है। हमने केजरीवाल को 5 गारंटी दी है और अगली सरकार जो बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। इस विधानसभा क्षेत्र से सोना से हमारे कैंडिडेट धर्मेंद्र खटाना जी और आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका जुनून, आपका जज्बा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि धर्मेंद्र खटाना हरियाणा की विधानसभा में पहुंचने जा रहे हैं। धर्मेंद्र खटाना को आप लोग यहां से जिताने जा रहे हैं। साथियों और दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आपके इस क्षेत्र के
मेवात के मशहूर युवा गायक असलम भाई ने भी आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। अभी मैं बात कर रहा था, लोगों ने बताया हरियाणा में 300 स्कूल बंद कर दिया बीजेपी वालों ने, खट्टर ने और नायब सिंह सैनी की सरकार ने, बीजेपी वालों ने 300 स्कूल बंद कर दिया, सरकारी अस्पताल बंद कर दिए, थाने में जाए तो आपकी बात सुनी नहीं जाती, रिश्वत मांगी जाती है, हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे हिंदुस्तान को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मुल्क हम सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का है, 144 करोड़ लोगों का यह मुल्क है। इस 10 साल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के झूठ को याद करोगे, प्रधानमंत्री और बीजेपी के झूठ को याद करोगे, तो याद कर लेना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में आपसे वादा किया था, हमको जिता दो 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। नौकरी 2 करोड़ मिल गई क्या? जोर से बोलिए, मिल गई क्या नौकरी? मिल गई? नौकरी के नाम पे आपसे झूठ बोला। मोदी जी ने कहा बीजेपी को जिता दो महंगाई कम कर देंगे। पेट्रोल 110 रुपए का बिका, डीजल 100 रुपए का बिका, सिलेंडर 1200 का बिका, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका, प्याज 200 रुपए किलो बिकी, दाल 300 रुपए किलो बिकी। महंगाई आसमान पे पहुंचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। कुरुक्षेत्र जिले में आज अलग अलग 3 स्थानों पर युवकों के नहर में डूबने का मामला सामने आया है। गोताखोर प्रगट सिंह और उनकी टीम ने नहर में डूबे युवकों की तलाश शुरू कर दी है। मिर्जापुर नहर पर बचाव कार्यों में जुटे गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले गाँव खनौदा पुंडरी के रहने वाले एक 22 साल के युवक के नहर में डूबने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार दबखेड़ी नहर के पास और किरमच नहर के पास भी युवक के डूबने का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम फिलहाल 3 स्थानों में सर्च अभियान में जुट गई है। कल शाम को करीब 8:30 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि खनौदा गांव का लड़का सागर, राजेंद्र का लड़का ये सागर, उम्र करीब 22 साल है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सुबह घर से पढ़ने के लिए आया था यूनिवर्सिटी में, वो ना तो यूनिवर्सिटी पहुंचा और ना ही अब तक घर पहुंचा। तो हमने पूछा लगाना से उसके पास मोबाइल है कहाँ जी है, तो लोकेशन उसकी ली थी, लोकेशन के आधार पर उसकी लोकेशन आई यहाँ जहाँ हम खड़े अभी यहाँ पे, तो पुलिस आई यहाँ परिवार वालों के साथ लेके आई, तो यहाँ उसकी गाड़ी खड़ी मिली थी, तो अंदेशा है कि वो शायद नहर में जंपना कर गया हो। तो वो तक और आ रखे हैं, हम सुबह से यहाँ उनकी तलाश कर रहे हैं, अभी वो डे नहीं मिली। बावनी खेड़ा विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी धर्मवीर कुंगड़ ने डोर टू डोर अभियान चलाया। आप प्रत्याशी धर्मवीर कुंगड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जल्द ही हरियाणा में रैलियां करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब की बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियों को लेकर जनता के बीच जाएगी और अपनी सरकार बनाएगी, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा शामिल है। आज आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर डोर टू डोर जो प्रचार कर रही है, बिल्कुल तय दिल से और अपने पूरे अरमानों से कर रही है, जो कि हरियाणा में आने वाला मुख्यमंत्री या सरकार आम आदमी पार्टी की आए तो केजरीवाल की सरकार बनेगी। किस तरह के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? हम जो केजरीवाल जी के पार्टी के जो मुद्दे हैं, 5 मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार, इन्हीं मुद्दों पे हम वोट मांग रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पे हम प्रचार कर रहे हैं और इस प्रचार से पूरा हल्का खुश है। बात करें इससे पहले जो डायग्राम से तो किस तरह की जो उनके द्वारा कार्य करवाया गया, समस्या किस तरह की देख रहे हैं? जो इससे पहले 10 साल
जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने पूरे हलके के अंदर पीने का पानी नहीं दिया और आज तक पावर कट बिजली के 10-10 घंटे के दिए हैं और कोई सुधार नहीं हुआ। और आपको बता रहा हूँ कि गांव में पीने के पानी के लिए लोग इन्हें बाहर से कैंपर लगाते हैं और अपने वाइफ पे जाके नहर के जैसे ट्यूल होते हैं उन ट्यूलों से पानी का अपना पीने का उपाय करते हैं। जहां एक ओर हरियाणा में चुनावी प्रचार चरम सीमा पर है तो वहीं फरीदाबाद पुलिस भी चुनाव के दौरान मुस्तैद दिखाई दे रही है। फरीदाबाद पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में लगभग सैकड़ों की संख्या में नाके लगाए हुए हैं जिसमें पुलिस हर संदिग्ध गाड़ी की जांच पड़ताल करके उसे चेक कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सराय ख्वाजा टोल के पास चेकिंग के दौरान सराय पुलिस ने 2 अलग अलग गाड़ियों से 2,70,00,000 रुपये की नकदी बरामद की है। फिलहाल स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। पैसे की गिनती करने के लिए पुलिस ने नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई और सारे पैसे की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी। फिलहाल पुलिस ने सारा पैसा जब्त कर मामला इनकम टैक्स को सौंप दिया है। पूरा मामला ये है जी, विधानसभा इलेक्शन चले हुए हैं जिस दौरान हमारे जो इंटर स्टेट नाका है हमारा जो सराय टोल पे लगाया हुआ है जिसमें सीआरपीएफ टीम है, हमारे थाने की पुलिस फोर्स है जो आज करीब 2 बजे को 1 बजे के आसपास एक गाड़ी को चेक किया गया जिसमें अमित अरोड़ा नाम का लड़का था जिसकी गाड़ी चेक की गई जिसमें 20,00,000 रुपए कैश मिला। जिससे पूछताछ की तो उसने बताया जी मैंने अपना मकान बेचा है, मैं वो लेके आया हूँ। इसकी कंफर्मेशन नहीं है, हमने जो है सूचना इनकम टैक्स को दी, इनकम टैक्स अधिकारी मौके पर आ गए थे। इसी दौरान हमने एक गाड़ी और चेक की जो भी जो यूपी नंबर थी जिसमें सचिन चालक है और उसके साथ था आसिफ नाम का लड़का, ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी बता रहे हैं अपनी नोएडा में अशरीफा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें गाड़ी हमने चेक की तो इस गाड़ी में 2.5 करोड़ के आसपास ये पैसे बता रहे हैं जिनकी काउंटिंग अभी चल रही है, कार्रवाई जो है नियमानुसार की जा रही है। होड़ल में बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र रामरतन का चुनाव प्रचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं गांव भिड़ूकी में हरेंद्र का गांव में पहुंचने पर सैकड़ों लोगों ने जोरदार स्वागत किया जिससे कांग्रेस प्रत्याशी पर बीजेपी उम्मीदवार हरेंद्र भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कलायत विधानसभा प्रत्याशी अनुराग ठाड़ा ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान उन्हें जनता की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में बहुत रुझान है, लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार लोग सिस्टम बदलना चाहते हैं, इस बार लोग तीसरे विकल्प की ओर जाना चाहते हैं। देखिए बहुत जबरदस्त रिस्पांस है, लोगों में बहुत रुझान है, लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव से मतलब पार्टी और कैंडिडेट बदलने से नहीं, वो तो पिछले 40-50 सालों में बदलते ही रहे लेकिन कुछ नहीं मिला हरियाणा को, कोई मूलभूत सुविधाओं पर काम नहीं हुआ। इस बार लोग सिस्टम बदलना चाहते हैं, इस बार लोग तीसरे विकल्प की तरफ जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूत विकल्प बन के लोगों के सामने खड़ी है। पूरी उम्मीद है कि लोगों का खूब प्यार मिलेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। देखिए कानून व्यवस्था तो आपको पता ही है क्या हालत है, पूरे हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में हम पूरे देश में सबसे निचले स्तर पर आते हैं। नागरिक सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि हरियाणा सबसे निचले पायदान पे आता है, ये तो ध्यान रखना इसका सरकार का और चुनाव आयोग का काम है। चुनाव के वक्त में इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी, मुझे लगता है इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए और इसके असली तथ्यों तक पहुंचकर जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। देखो तो भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़ के तो लोगों को हंसी आ रही है, जो वो करना चाहते हैं भाई लिख क्यों रहे हो, 10 साल तुम्हारी तो सरकार थी, कर देते जो भी करना था। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरी तरह से, इससे पता चलता है कि कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियों को कॉपी मार दिया है उन्होंने, कॉपी पेस्ट कर दिया है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमको ये 5 गारंटियां ही लेनी है तो फिर हम ओरिजिनल नहीं लेंगे, फोटोकॉपी का हम क्या करेंगे। लोग ओरिजिनल में विश्वास करते हैं, गारंटी केवल अरविंद केजरीवाल की है और अरविंद केजरीवाल की गारंटी मतलब काम के पूरा होने की गारंटी, बाकी सब की गारंटी मतलब नकली गारंटी, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नकलचियों से सावधान। देखिए बहुत जबरदस्त। भिवानी के जीतूवाला क्षेत्र में निवर्तमान विधायक घनश्याम सर्राफ के धरने को 55वें दिन समाप्त करवाया गया है।
जीतवाला महापंचायत का कहना है कि आज निवर्तमान विधायक घनश्याम सर्राफ यहां पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर चार दिन में कार्य शुरू नहीं किया गया तो धरना फिर से शुरू किया जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा और ताऊ देवीलाल की जयंती पर उचाना में होने वाली रैली को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वक्त इनेलो बसपा गठबंधन की लहर चल रही है और लोग ओम प्रकाश चौटाला को सजा दिलवाने वालों को सत्ता के नजदीक नहीं आने देंगे, वहीं बीजेपी को भी सत्ता से बाहर करेंगे। अभय चौटाला ने आज अपने चुनाव प्रचार के दौरान एलनाबाद हलके के गांव मौजूखेड़ा में पत्रकारों से रूबरू होकर ये बात कही। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।